20th of January है, which is celebrated as World Leprosy Day. तो आपको तो पता ही है हमारी UHDC posting चल रही है, तो वहाँ पे World Leprosy Day का celebration ऐसे होगा कि एक कुछ बच्चे play enact करेंगे और कुछ बच्चे flexi पे बैठ कर ले जा रहे हैं. तो आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड. आज वर्ल्ड लेप्रेसी डे के पर्व पर हम एरा मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स आपके बीच एक नाटक की प्रस्तुति लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग या कोढ़ के बारे में जागरूक करेंगे. तो चलिए देखते हैं इस नाटक का पहला दृश्य, जहां दो सहेलियां आपस में कुछ बात कर रही हैं. अरे बहन कैसी हो? मैं तो सही हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ. तुम्हारा सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है. तुम्हारा कप अच्छा लग रहा है. पूरे 5,000 का है. ओफो, मेरा तो 4,000 का है. इतना सुंदर सूट कहाँ से लिया? ना खास मार्केट में सेल जो लगी थी. चलो मैं तुम्हें अपने बहू से मिलाती हूँ. हाँ बोलो. बहू जी. भाजी जरा चाय तो लेके आना. खुश रहो खुश रहो. अरे तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर और संस्कारी बहू लेके आई हूँ अपने बेटे के लिए. क्या बात है. तुम्हारी बहू कैसी है? मेरी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है. अपने बेटे मेरे बेटे को अपने वश में जो कर रखा है उसने. अरे ऐसे तुम तो अपनी मर्जी से अपनी बहू लेके आई थी. मर्जी से तो लेकर आई थी, पर कहाँ किस्मत अच्छी है मेरी. मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है. चलो मैं जाती हूँ, उसने कुछ काम थोड़ी कर रखा होगा. ठीक है मिलते हैं. अगला दृश्य है दुलारी जी के घर का. सुनती हो जी? इतना देर हो गया, मुझे नाम के नाम खाना नहीं आई. जी ये क्या हो गया तुमको? जी मेरे सफेद सफेद धब्बे हो गए हैं. मम्मी. हाँ बेटा क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बहू ये तुम्हारे हाथों में क्या हो गया है? हाँ जी सफेद सफेद दाग हो गए हैं और कमजोरी आ गई है. इसको डॉक्टर पास दिखाएं? अरे डॉक्टर डॉक्टर कुछ नहीं, इसको तो बाबा के पास ले जाना पड़ेगा. चलो बेटी बाबा के पास. फिर दुलारी जी अपनी बहू को एक विश्व प्रसिद्ध बाबा के दरबार में लेकर जाती है. बाबा जी की जय हो. बाबा जी की जय हो. पुत्री क्या समस्या है? बाबा जी जरा मेरी बहू के शरीर को तो देखिए, क्या सफेद सफेद से धब्बे से पड़ गए हैं. बुरी नजर काला सज्जन. बाबा पैसा करती हो? नहीं बाबा नहीं बाबा. कुछ तो बाजी कुछ उपाय करिए इसका. कुछ उपाय है. एक मिनट ये लो, इसको रोज सेवन करना और ये बाबा का पानी है, इसका रोज सेवन करना ठीक हो जाएगा. बाबा जी की जय हो. बाबा जी की जय. ये ले खाना खा. हेलो. हाँ पिंकी की मम्मी, इनको यहाँ से ले जाइए, अब हम इसे अपने घर पे नहीं रख सकते. नमस्ते बहन जी, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको इतने इमरजेंसी में हमें फोन करके बुलाना पड़ा? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है. आपने हमें अंधेरे में रखा है, मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है. देखिए क्या हुआ है आपकी बेटी को. ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसे बोल रहे हैं? इसको कोढ़ हो गया है, इसको हम अपने घर नहीं रख सकते. ले जाइए इसको, इसको गिरवी देवताओं का पाप लगा है. ले जाइए अपनी बेटी को. कैसे घर वाले हैं आप, ऐसी बातें बोल रहे हैं? इसको आप डॉक्टर के पास नहीं लगे, कोई इलाज नहीं करवाया? बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ. अरे इतने बाबाओं के पास ले गए हैं, लाखों पैसा खर्च हो गया है, कुछ नहीं हो सकता. अब इसे हम अपने बेटी की जिंदगी नहीं खराब कर सकते. ले जाइए अपनी बेटी को. अरे कैसे हो आप लोग, आज के युग में भी बाबाओं पर विश्वास करते हो, डॉक्टर को नहीं दिखाते हो? चलो बेटी आप यहाँ नहीं रखिए, अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखेंगे. ले जाइए चल बेटा, दूसरी शादी कराऊंगा. आपको कुछ दर्द हो रहा है? दर्द है ना जी. दरअसल इनको कुछ रोग की बीमारी हो गई है, और इस बीमारी में क्या होता है, पूरे शरीर में धब्बे पड़ जाते हैं और जल्दी फैलता भी है, इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट करनी बहुत जरूरी है. तो मैं आपको ट्रीटमेंट लिख देता हूँ, आप उसको अच्छा लीजिएगा और करीब लीजिएगा. तो जैसा हमने देखा, हमारे समाज में कुष्ठ रोग को लेकर आज भी अनेक अंधविश्वास पनप रहा है. ऐसी मान्यताओं को बढ़ावा देकर स्वयं लाभ भोगने वाले ढोंगी भी आपको हर गली कूचे में मिल जाएंगे. जरूरत है तो बस इस जानकारी की कि कुष्ठ रोग या लेप्रेसी अभिशाप नहीं बल्कि एक बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहने से होती है. इसका वक्त रहते सही इलाज कर इस संक्रमण को रोका जा सकता है.
मगर सही उपचार न मिलने पर इस बीमारी से व्यक्ति विकलांग भी हो सकता है। तो आपको या आपके पास किसी भी व्यक्ति को ऐसे चकत्ते मिले या उन चकत्तों में सुनपन या मांसपेशियों में कमजोरी मिले तो जल्द ही अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं। सुनो, पुनर्जन्म का पाप नहीं, खुश रहो अभिशाप नहीं। Thank you.